नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। ये रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों की ओर। बीती रात उज्जैन के क्षीर सागर स्टेडियम में कुश्ती दंगल मैच के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के समर्थक भड़क गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दर्शकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंक दी। पुलिस बल की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसके बाद शहर के सभी थानों का बल वहां पहुंचा। तब तक आरोपी भाग निकले थे। फिलहाल मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। उज्जैन के क्षीर सागर के कुश्ती एरिना में दंगल के दौरान बीती रात 12 बजे दो पक्षों में मारपीट हो गई। यहां कुश्ती से जुड़े आयोजकों के बीच विवाद हुआ था। इसमें मदार गेट, बेगमबाग और हैलावाड़ी के लोगों की दूसरे पक्ष से मारपीट हो गई। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी। स्थिति तनावपूर्ण होने की आशंका के चलते सभी थानों का बल क्षीर सागर स्टेडियम पहुंचा। यहां पुलिस पहुंचती इसके पहले ही दोनों पक्षों के लोग भाग खड़े हुए। सेंट्रल कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी के चौबे ने बताया कि हम घटनास्थल पर मौजूद थे। विवाद की स्थिति बनती देख लोगों को शांत कराया और मैच को बराबरी पर छुड़वाया गया। शिकायत नहीं होने पर फिलहाल मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में दिलीप राव बोरकर उर्फ दिल्लू पहलवान ने दंगल का आयोजन करवाया था। उसकी अनुमति भी ली थी उन्होंने। और कल रात को हम ड्यूटी पर थे, आखिरी दंगल चल रहा था शाकिर पहलवान और कमलजीत दोनों का। तो उसमें दोनों पहलवान बराबरी के कांटे की टक्कर थी, कुछ फैसला हो नहीं पा रहा था। तो दोनों के समर्थक उत्तेजित और उत्साह में होकर उनको समर्थन कर रहे थे। इसी बीच दर्शकों में आपस में झड़प हुई और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। तो मौके की स्थिति देखते तत्काल आयोजकों से चर्चा कर दंगल को बराबरी पे समाप्त घोषित करवा दिया। और दर्शकों को हमने अनाउंस करके बोला कि सब अपने अपने घरों पे शांतिपूर्वक लौट जाएं। मैं स्वयं मौजूद था, हमारा थाने का बल भी मौजूद था। और फिर आवश्यकता हमें जरूरत पड़ी तो FRB गाड़ियां और आसपास का बल बुला लिया था और सभी दर्शनार्थी वहां से शांतिपूर्वक विसर्जित हो गए। रायसेन जिला मुख्यालय पर विश्व बाघ दिवस के मौके पर वन विभाग ने एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा ओपन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य आम लोगों में वन प्राणियों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भाव पैदा करना था। छोटे छोटे बच्चों ने खुद की रचनात्मक सोच और वन प्राणियों के प्रति आम लोगों का व्यवहार कैसा हो, इसको अपने रंग में उतारा। रायसेन में वन विभाग के कार्यालय और जिला एवं सत्र न्यायालय की दीवारों पर इन चित्रों को बनाया गया। बच्चों का कहना था कि उन्हें इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल होने पर काफी अच्छा लगा। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में और देश में वन प्राणी संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए विशेषकर बच्चों में जागरूकता है, उनमें भावना है, वन प्राणियों के प्रति इंटीमेसी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आगामी त्योहारों में नगर एवं ग्रामीण अंचलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाहपुर में पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें पुलिस की गतिविधियां सिखाई गई। त्योहारों के दौरान समिति सदस्य पुलिस को सहयोग प्रदान करेंगे। शाहपुर में पुलिस विभाग द्वारा रविवार को स्थानीय शिव मंदिर मंगल कार्यालय में नगर एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिया गया। वहीं नगर में शांति व्यवस्था को लेकर निरंतर पुलिस को सूचना एवं सहयोग देने जैसे उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव और थाना प्रभारी गिरवर सिंह ने प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सदस्यों को सम्मानित किया। अफसरों व समिति संयोजक काशीनाथ एनपुरकर की मौजूदगी में सदस्यों को पुलिस की गतिविधियों के गुर भी सिखाए गए। पुलिस अफसरों ने कहा कि आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर अपने आसपास होने वाली घटनाओं की पुलिस को तुरंत सूचना देकर अपने नागरिकता का धर्म अवश्य निभाएं। थाना प्रभारी गिरवर सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर शासन स्तर पर सदस्यों को बीमा एवं अन्य सुविधाएं भी मुहैया होगी। मध्य प्रदेश के दतिया के सिनाबल थाना के हिनोतिया ग्राम में एक बदमाश ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गुंडा दिनेश गौतम पूर्व में 10,000 का इनामी भी रह चुका है और ग्वालियर की डबरा जेल से फरार हो चुका है।
आपको बता दें कि आरोपी दिनेश का कुछ दिन पूर्व गांव में यादव समाज के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें एक मुकेश यादव भी था। सोमवार को मुकेश जब शौच के लिए गांव के बाहर जा रहा था तो दिनेश ने अपने साथियों के साथ मुकेश को घेर कर गोली मार दी, जिससे मुकेश की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन में पहले सावन सोमवार पर भूत भगवान महाकालेश्वर की सवारी बड़ी ठाठ बाट से निकली। चांदी की पालकी में सवार बाबा महाकाल ने नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन दिए और प्रजा कहल जाना सवारी को देखने के लिए देश भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर में सबसे पहले कोटि तीर्थ कुंड के सामने मन महेश के रूप में विराजित महाकाल के चांदी के मुखौटे का मंदिर के पुजारियों द्वारा पूजन अर्चन कराया गया। इसके बाद शंख की ध्वनि के साथ महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर मंदिर परिसर से बाहर निकले एवं नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। पालकी जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर आई, जिला पुलिस बल द्वारा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। सवारी में विभिन्न वेशभूषा पहने भक्त नाच गाकर सवारी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं हजारों की संख्या में शामिल हुए भक्तगण महाकाल की एक झलक पाने के लिए लालायित दिखे। सवारी अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची, जहां विधिवत महाकाल का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सवारी महाकाल मंदिर पहुंची, जहां सवारी का समापन हुआ। सवारी में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात थे। प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी भी सवारी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। महाकाल के दरबार में भगवान महाकाल आज भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए साल भर तक भक्त लोगों को आज के दिन का इंतजार रहता है। मन महेश के स्वरूप में बाबा महाकाल भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। ये अलौकिक दृश्य है जिसको देखने के लिए देश विदेश से भक्त लोग आए हुए हैं और बाबा के दर्शन पाकर अपने आपको धन्य मान रहे हैं। भगवान महाकाल आज महाराजा स्वरूप के अंदर हैं और महाराजा स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं, जो आनंद देने वाला स्वरूप है, मन महेश के नाम से जाना चाहते हैं। सिवनी के केवलारी में कलयुगी शिक्षक द्वारा अपनी ही छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने दबाव बढ़ता देख आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक बाल गोविंद पाठक के एक प्रतिष्ठित संघ से जुड़े होने और राजनीतिक दबाव के चलते मामले में आरोपी शिक्षक को केवल 41D नोटिस देकर मुचलके में छोड़ देने के बाद केवलारी पुलिस पर उंगलियां उठना शुरू हो गई है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से बच निकलने के बाद आरोपी शिक्षक न्यायालय में जमानत याचिका लगाकर छूटने की फिराक में था। आपको बता दें कि शासकीय कन्या माध्यमिक शाला केवलारी में पदस्थ शासकीय शिक्षक बाल गोविंद पाठक के ऊपर उसके ही स्कूल की नाबालिग 13 वर्षीय छात्रा के साथ एक साल तक अश्लील हरकतें और छेड़खानी कर परेशान करने का गंभीर आरोप है। पीड़िता के मुताबिक शिक्षक द्वारा किसी को बताने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। शिक्षक की इस प्रताड़ना से तंग आकर बच्ची ने स्कूल तक छोड़ दिया, लेकिन शिक्षक नहीं माना और बच्ची को परेशान करता रहा। इस बात से तंग आकर एक दिन बच्ची ने शिक्षक की करतूत के बारे में आखिरकार अपने परिजनों को बता ही दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पास्को एक्ट के तहत मामला कायम करने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते शिक्षक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और शिक्षक ने न्यायालय में जमानत अर्जी लगा दी। लेकिन माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे सीधे जेल का रास्ता दिखा दिया। थाना क्यूलारी द्वारा बाल गोविंद पाठक के विरुद्ध में धारा 354 का खा और पॉक्सो की धारा 7, 8, 9F और 10 और 11 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। जो बाल गोविंद पाठक है वो वहाँ पर शासकीय स्कूल के अंदर में टीचर था और ये जो प्रार्थी है, जो अभियुक्तरी है, जो पीड़िता है, वो वहाँ पर स्टूडेंट थी। तो ये अगस्त 2017 से लेके अभी 12/7/2018 तक रेगुलर उसके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। इसके समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए और वाईएसटी के हितों को एक तरफ करते हुए समष्टि के हितों के बारे में सोचते हुए माननीय अदालत द्वारा एक्यूज के तरफ से जो बेल एप्लीकेशन पेश हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया है और जेल वारंट काट के उसको दाखिल जेल कर दिया गया। सिवनी कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, जहां मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ग्राहक बनकर कार्यवाही करके युवक युवतियों को हिरासत में लिया।
कोतवाली पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिवनी के कटंगी रोड स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने एक पुलिस कर्मी को सेक्स रैकेट के अड्डे पर ग्राहक बनाकर भेजा और पुष्टि होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मौका पाकर सेक्स रैकेट के अड्डे पर रेड मार दी। कोतवाली पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बहरहाल पुलिस सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम कर दिया है। कोतवाली सिवनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सिवनी में कटंगी रोड पर एक मकान में देव व्यापार का अड्डा संचालित हो रहा है। उस सूचना को जिले के कप्तान श्री विवेक राज सिंह जी को अवगत कराया गया और उनके दिशा निर्देश में एक टीम गठित की गई, जिसमें DSP उमाकांत आर्मी जी और उप निरीक्षक आकांक्षा सहारे और महिला बल के साथ चारों तरफ से उस अड्डे पर रेड किया गया तो पाया गया कि उसमें जो है एक महिला और उसका एक ग्राहक और उसके साथ 2 अन्य नवयुवतियाँ देह व्यापार में संलग्न थी। मौके पर से यूज्ड सामग्री आपत्तिजनक जब्त की गई है। अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों से जुड़ी चीजों को जनता के सामने रूबरू करने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं से जंगली जानवरों की पेंटिंग्स बनवाई जा रही है। पेंटिंग बनवाने का उद्देश्य आम जनता तक जंगल और बाघों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना था। टाइगर रिजर्व के DFO ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आम जनता को बाघों की रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को यह आयोजन किया गया था। भोपाल से आए विशेषज्ञ टाइगर रिजर्व के बारे में बताते हुए बोले कि रशिया से इसकी शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बाघ दिवस का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ बाघों की संख्या ज्यादा है। इंदौर शहर और प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग छात्राओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अत्याचार का विरोध और अपनी सुरक्षा के लिए सभी तरीके सिखाए जाएंगे। इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा महिला आत्मरक्षा कवच अभियान की शुरुआत शहर के सत्यसाई स्कूल में एक आयोजन से हुई। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक नारी शक्ति को आत्मनिर्भर करने और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के उद्देश्य से महिलाओं और नाबालिग छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस हमेशा प्रतिबद्ध रही है और इसी दिशा में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के जो है उनके तत्वाधान में इंदौर पुलिस ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम लगभग 80 स्कूल कॉलेजेस जो बच्चियों के हैं वहाँ हम जाएंगे और लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चियों को इस संबंध में जो है स्वयं की सुरक्षा के बारे में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे और उनको कैसे अपने को सुरक्षित रखना है, शासन ने उनके लिए क्या क्या हेल्पलाइन और क्या क्या उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, कैसे वो तत्काल पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, ये सारी चीजें हमने जो है वो प्लान की है। मध्य प्रदेश के महेश्वर के एक गांव में तालाब के पास से 2400 पौधों का रोपण किया गया। गंगा अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। गायत्री परिवार एवं वन मंडल बड़वा महेश्वर के सहयोग से 2400 पौधों का रोपण किया गया। आपको बता दें कि महेश्वर के ग्राम बगोद मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास गंगा अभियान के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से किए गए पौधारोपण के आयोजन में गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। 5,000 से अधिक वृक्षों को लगाएंगे और उसकी सेवा सुरक्षा करेंगे और इससे बहुत बड़ा मैसेज समाज में जाने वाला है कि केवल सरकार का ही काम नहीं है, समाज के अच्छे लोगों को भी जागना पड़ेगा और गांव में जहां भी जगह है उसमें पेड़ लगाएं और वो हमारे स्वामित्व भी नहीं होगा, उसी गांव का रहे। इस तरह से बात चलेगी तो ये देश फिर से हरा भरा हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।